अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ डॉक्टर सिद्रा इरशाद। टुडे आई विल टेल यू वन थिंग। मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सिस्टम है, मीन्स हमारी जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, वो मतलब किस तरह है। मैं उसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ आपसे, सही है। अब आप लोग अगर इस वाले साइड को देखेंगे ना, इस वाली साइड को, तो ये हमारे सिर्फ बोन्स हैं, सही है। ये हमारे क्या हैं? सिर्फ बोन्स हैं। ऊपर से भी आप लोग देखें तो ये हमारे सिर्फ बोन्स हैं, जबकि इधर हमारी मायो है, इधर हमारी ओस्टियो है। तो इन्होंने जो हाफ इसलिए किया है कि भी बंदा देख ले ये उनों की हड्डियां हैं और ये उन पर अगर गोश्त आ जाए तो ऐसे है, सही है। अब ये बात हो गई यहाँ तक। ये हम मैंने आप लोगों को पाँव भी दिखा दिए हैं, ये भी दिखा दिए। अब मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, ये जो हमारे पास बड़ी वाली हड्डी है ना, मोटी वाली, इसे हम कहते हैं टिबिया, और ये जो पतली वाली है ना, इसे हम कहते हैं फिब्यूला, सही है। और ये जो है, ये हमारी फीमर है, जिसे कहते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सही है। ये हमारा हिप बोन है, सही है। उसके बाद ये हमारा ह्यूमरस है, सही है। ये हमारी है अल्ना, ये हमारी है रेडियस, और ये है हमारी अल्ना, मतलब जो लिटिल फिंगर की साइड पे आ रही है वो आ रही है हमारी अल्ना, और जो थंब के साथ आ रही है वो हमारी आ रही है रेडियस, सही है। ह्यूमरस, ये है हमारा क्लेविकल बोन, जिसे हम कहते हैं ब्यूटी बोन, सही है। काफ़ी लड़कियों में ये जो है जगह प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि ये ना सबक्यूटेनस होती है, इसे हम पालपेट कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारी क्या है? क्लेविकल, और क्लेविकल को क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन, सही है। अब यहाँ आ गए हमारे मसल्स, सही है। ये हमारी मायो है, सही है। अब ये जो है ना, ये हमारा क्या है, इसके पीछे जो होता है, ये नी ज्वाइंट है, इसके पीछे जो होता है ना, इसके पीछे होता है पोपलीटियल फोसा, सही है। और जो एल्बो की साइड पे होता है वो हमारे होते हैं क्यूबाइडल फोसा, मीन्स एल्बो ज्वाइंट के पीछे। अब पीछे मैं आपको दिखाऊँ अपनी बाजू में, तो ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा क्यूबाइडल फोसा, और ये हमारी है क्या, ये है हमारी एल्बो ज्वाइंट। दरअसल वीडियो मैं खुद बना रही हूँ तो इसलिए सही नहीं आएगी, सही है। अब यहाँ तक मैंने बता दिया। अब मेरा मकसद जो वीडियो बनाने का है, वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो सिमेट्रिकल है, मीन्स जैसे कि हम किसी का फेस देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि भाई जो लेफ़्ट साइड पे है वही राइट साइड पे। ज़ाहरी बात है, हमारे दो कान हैं, सही है, दो आँखें हैं, अगर नोज़ एक है तो नोस्टल्स दो हैं, सही है। हमारे जो माउथ है उसमें टू पेयर्स हैं, मतलब अपर और लोअर, सही है। बाकी अगर हम नीचे देखें तो दो बाजू हैं हमारी, सही है, दो टांगे हैं, सही। अब ऐसे हो गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैन जो एम है मेरा वीडियो का, वो ये है कि मैं आप लोगों को इंटरनल ऑर्गन्स बताना चाहती हूँ कि कौन से लेफ्ट साइडेड हैं और कौन से राइट साइड पे हैं, सही है। मैन एम जो है मेरी वीडियो का ये है, सही है। अब हम बता रहे हैं लेफ्ट साइड पे कौन सी है, ये तो आपको पता चल गया, लेफ्ट आईज लेफ्ट साइड पे होगी, लेफ्ट नोस्टिल लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट ईयर लेफ्ट साइड पे होगा, सही है। उसके बाद लेफ्ट क्लेविकल लेफ्ट साइड पे होगा, सही है। उसके बाद लेफ्ट लंग जो है वो भी लेफ्ट साइड पे होगा, सही है। लेफ्ट ब्रेस्ट भी लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट निपल भी लेफ्ट साइड पे होगा, सही है। उसके बाद अब हम आएंगे इंटरनल ऑर्गन्स की साइड पे, सही है। अब ये तो आपको पता है, अब मैं एब्डोमिन को छोड़ के लोअर लिम्ब पे आ रही हूँ। लेफ्ट हिप बोन लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट फ्यूमर टिबिया फिबिला सब लेफ्ट साइड पे होंगे, सही है। यहाँ रेडियस अल्ना, सही है। स्कैपुला पिछली पीछे की साइड पे भी दो होते हैं, सही है। ये हमारे लेफ्ट साइडेड है, और अगर राइट साइड पे भी यही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना हमारी सिमेट्रिकल है, इन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल चीज़ें, मीन्स सिमेट्रिकल मीन्स जो इस साइड पे भी सेम है और इस साइड पे भी सेम है, सही है। अब हम आपको बताएंगे बॉडी के वो ऑर्गन्स जो मतलब लेफ्ट साइड पे हैं तो राइट साइड पे नहीं है, और अगर राइट साइड पे हैं तो लेफ्ट साइड पे नहीं है, सही है। अब मैं आप लोगों को पहले तो इसकी थोड़ी मायो दिखा दूँ बॉडी की, सही है, मेल बॉडी की। मेल बॉडी की ये है हमारे पास मायो, सही है। ये उसका हेड है, ये टमी है, सही है। ये उसकी होगी मायो, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ
कि कौन से हमारे लेफ़्ट साइड पे है कौन से नहीं। ये जो बुक मैंने ली है ये है हमारी एटलस, सही है, और ये वाली जो बुक है ये है हमारे पास ग्रेस, सही है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कौन सा लेफ़्ट साइड पे है कौन सा नहीं। पहली बात तो ये जो हमारी स्टमक है ना, स्टमक जिसे हम कहते हैं मैदा, ये है हमारा लेफ़्ट साइडेड, सही है। उसके बाद पैंक्रिया जो है वो भी हमारा लेफ़्ट साइडेड है, लेफ़्ट साइड मीन्स लेफ़्ट साइड पे है, सही है। उसके बाद स्प्लीन है वो भी हमारा लेफ़्ट साइडेड है, सही है। और जो हमारा जिगर है लीवर मतलब, वो हमारा राइट साइड पे है, सही है। उसके बाद लेफ़्ट किडनी लेफ़्ट साइड पे होगी, सही है, और राइट किडनी राइट साइड पे होगी, सही है। उसके बाद अब देखें ये जो है ना हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, सही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है। वैसे अगर हम लेंथ में देखें ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज को, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है तो हम उसे भाई स्मॉल क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो उसकी लेंथ बड़ी होती है लेकिन साइज़ छोटी होती है, और वो उसे ना हम क्वाइल करके रखते हैं, सही है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो मतलब डायमीटर कह दो या साइज़ कह दो वो बड़ी है, लेंथ छोटी है, सही है। अब ये हमारा कोलान, सही है। अब कोलान के होते हैं तीन पार्ट, सही है, असेंडिंग कोलान, असेंडिंग मीन्स जो ऊपर की तरफ जाए, ट्रांसवर्स कोलान जो हॉरिजेंटल हो, और फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलान। अब डिसेंडिंग कोलान जो है वो आते हैं हमारी लेफ्ट साइड पे, सही है, फिर आपका आ जाएगा हिबोन, सही है, ये वगैरह आ जाएगा, सही है। और अब इस पे ना क्या होता है, हिप बोन के साइड पे होती है एंटीरियर स्पिलिक इलिक स्पाइन, तो वो भी हमारी राइट साइड पे राइट होगी और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट होगी, सही है। और मेन बात ये कि जो हमारा हर्ट है वो भी लेफ्ट साइडेड होता है। अब हर्ट जो है ना वो मतलब जो उसकी अपेक्स होती है ना, नीचे वाला सरफेस जो होता है वो लेफ्ट साइडेड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हर्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड में है, सही है। और दूसरी बात ये जो हर्ट का जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो भी लेफ़्ट साइड पे होगा और लेफ़्ट वेंटिकल है वो भी लेफ़्ट साइड पे होगा, सही है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा लेफ़्ट साइड पे है कौन सा राइट साइड पे है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी लोग हैं 84% जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब हैं, मतलब उनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरी और वो ऐसे ही देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी वो भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताएँ। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।